नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मन अक्सर अपने पापा से चिढ़ा रहता था। उसे लगता था कि पापा उसे बात बात पर डांटा करते हैं, उस पर रोब जमाते हैं, वे उसे प्यार भी नहीं करते। पापा से दूरी बना ली थी अमन ने, वह उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। अमन पापा से चिढ़ा चिढ़ा रहता था। मम्मी ने कहा, बेटा तुम पापा से बात क्यों नहीं करते? पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते मम्मा, अमन ने गुस्से में आकर मम्मा से कहा। यह तुमसे किसने कह दिया कि पापा तुमसे प्यार नहीं करते? पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए हमेशा नई नई चीज लाते हैं, मम्मी ने कहा। प्यार करते तो डांटते नहीं, अमन ने कहा। हर समय पढ़ने को कहते हैं, अमन ने उदास स्वर में कहा। अरे बेटा सुनो तो। लेकिन तब तक अमन घर से बाहर निकल चुका था। वह घर के पास पार्क में उदास सुनमुन जाकर बैठा। उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो एक थैले में पुरानी प्लास्टिक की बोतलें भर रहा था। उसने उस बच्चे को साथ में जाकर उसके पास जाकर उसे पूछा, इनका क्या करते हो? अमन ने पूछा। मैं इसे बेच देता हूँ, जो पैसे मिलते हैं उसे खाना खा लेता हूँ, बच्चा बोला। तुम्हारे घर वाले नहीं हैं? अमन ने पूछा। वो घर वाले तुम्हें खाना नहीं खिलाते? अमन ने कौतूहलवश प्रश्नों पूछता रहा। मेरे पापा नहीं है, उस बच्चे ने कहा। मम्मी दूसरों के यहाँ घर काम करती है, वह इतना नहीं कमाती कि घर खर्च पूरा कर सके और हमें खाना खिला सके। यह सुनते ही अमन सुन्न हो गया, वह चुप हो गया, मौन हो चुका। वह क्या सोचता था अपने पापा के बारे में? कितनी बुरी बात वो सुन चुका था और क्यों पापा के बारे में इतनी घिनौनी सोच रखकर वो बैठ चुका था कि पापा बुरे हैं। उसे महसूस हो रहा था कि जिनके पापा नहीं होते उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो सोच में डूब चुका था अमन। तभी मम्मी की आवाज आई, अमन तुम्हारा फोन है। अमन दौड़ता हुआ घर पहुंचा, उसके दोस्त का फोन था। हाय अमन, तुम फादर्स डे पर अपने पापा को क्या दे रहे हो? मैंने तो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, अमन ने कहा। आदित्य ने कहा, मैं भी कार्ड बनाऊंगा। फिर अमन ने पिता की अच्छी तस्वीर बनाई, उसमें माय बेस्ट डैड लिखा। शाम को उसने ग्रीटिंग देते हुए कहा, हैप्पी फादर्स डे पापा। उन्होंने उसे गले लगा दिया। पापा को आज अमन का ये व्यवहार, ये सकारात्मक सोच, ये बदला बदला चेहरा पापा को अजीब लगा, ताजुब लगा। मम्मी भी खुश हो गई। दोस्तों, हैप्पी फादर्स डे।